తెలంగాణలో 10 ఏళ్లుగా దొరల సర్కార్ను చూశారని వచ్చే 10 ఏళ్లు ప్రజల ప్రభుత్వాన్ని అవకాశం ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ కోరారు. బోధన్, ఆదిలాబాద్, వేములవాడలో చేయి పార్టీ అభ్యర్థులకు మద్దతుగా ప్రచార సభల్లో పాల్గొన్న ఆయన కేసీఆర్ లక్ష్యంగా విమర్శలు గుప్పించారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాగానే చేసే మొదటి పని 6 గ్యారెంటీలను చట్టంగా మార్చడమేనని రాహుల్ గాంధీ భరోసా ఇచ్చారు. पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्रीज केसीआर के परिवार के हाथ में है. सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब और रेत में बनाया जाता है, केसीआर के परिवार के हाथ में है. केसीआर जी, अगर आप भ्रष्ट नहीं होते तो ये तीनों के तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथों में नहीं होते. दलित बंधु स्कीम में आपके एमएलए 3 लाख रुपए का कट लेते हैं. आप एसटी और एससी सब प्लान से पैसा डाइवर्ट करते हो. 5,500 करोड़ रुपए आपने एससी सब प्लान से डाइवर्ट किया. 15,500 करोड़ रुपए आपने एससी सब प्लान से डाइवर्ट किया. अब मैं भाइयों और बहनों आपको बताना चाहता हूं कि प्रजाला सरकार का क्या मतलब होता है. पिछले 10 साल आपने दोराला सरकार, एक परिवार की सरकार देखी है. अगले 10 साल आपको प्रजाला सरकार दिखने को मिलेगी. देखिए, ये जो है ना, ये सिर्फ वायदे नहीं है, ये कानून बनने जा रहे हैं. कानून कैसे बनेंगे? पहले दिन जब प्रजाला सरकार बनेगी उस दिन कैबिनेट मीटिंग होगी. उस दिन सारे के सारे मंत्री और चीफ मिनिस्टर इन 6 गारंटीज को कानून में बदल देंगे. तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर, पहला काम इन 6 गारंटीज को कानून में बदलने का करेगा. जितना पैसा केसीआर ने आपसे लूटा है उतना ही पैसा हम आपके बैंक अकाउंट में डाल के दिखाएंगे.